भवन में ये मुलाकात हुई। दोनों सांसदों ने एक दूसरे को बधाई दी। ये तस्वीरें सामने आई हैं संसद भवन गलियारे से। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और सांसद कंगना रनौत की मुलाकात हुई। संसद भवन में ये मुलाकात हुई है। दोनों सांसदों ने एक दूसरे को बधाई दी है। भोपाल से खबर, स्कूलों की मनमानी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर ने स्कूलों पर बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर ने फीस वापस करने के आदेश दिए हैं। डीपीएस श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा कैंपियन स्कूल और सेज इंटरनेशनल स्कूल पर भी कार्रवाई हुई है। इन स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अधिक फीस वसूलने पर यह एक्शन हुआ है। भोपाल में स्कूलों की मनमानी पर कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। डीपीएस श्री चैतन्य टेक्नो समेत 4 स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल हाल में इस तरह के मामले सामने आए थे और अब एक्शन लिया है। भोपाल कलेक्टर ने 4 बड़े स्कूलों पर कार्रवाई की है। जो अतिरिक्त फीस वसूली गई न केवल वो वापस करनी होगी बल्कि जुर्माना भी इन स्कूलों पर लगाया जाएगा। तो भोपाल में स्कूलों की मनमानी पर बड़ा एक्शन है, बड़ी कार्रवाई की है भोपाल कलेक्टर ने। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये जरूरी भी था राजधानी भोपाल में ही अगर इस तरह के स्कूल चल रहे हैं, अतिरिक्त फीस वसूल रहे हैं तो फिर एक्शन होना भी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा प्रशांत। जिस तरीके से राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से जो आदेश जारी हुए थे उसके बाद साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए थे कि सभी स्कूलों को अपनी फीस के मैनुअल जो है वो अपलोड करना होगा, और अपलोड जो किया है उससे यदि आप अधिक फीस वसूल दो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल कलेक्टर को ये शिकायत मिली थी कि भोपाल की कुछ स्कूल हैं जिसमें डीपीएस कोलार रोड, चैतन्य टेक्नो कोलार रोड, कैंपियन स्कूल भौरी और सेज इंटरनेशनल स्कूल, इनके द्वारा जो राशि पोर्टल पर दिखाई गई थी फीस की, उससे अधिक जो है वसूली की गई थी जो अभिभावकों के साथ। और यही कारण है कि अभिभावकों ने जब शिकायत की तो उसके बाद कलेक्टर ने इन सभी को नोटिस जारी किए हैं और जो फीस है उसको वापस लौटाने के निर्देश दिए हैं। और यदि ये लोग फीस समय पर नहीं लौटाते हैं तो इनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए।